फाड़ में जाए ऐसे माँ बाप, धर्म कर्म करने की उम्र है और कर्म कांड कर रहे हैं वहाँ पर ये। देखो यार, तुम लोग मानो या ना मानो, भाव का शो देखने में और उसी शो पर वीडियो बनाने में मुझे एक अलग खुशी मिलती है। जब तक भाव का शो और ये बकचोदी चलते रहेगी तब तक मेरी वीडियो निकलते रहेगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। चलो भाई। Let's start। अपना खाओ और मामू की बकरी मत चराओ, उसको जान दो खड्डे में, समझा? टेंशन नहीं लेने का, तरक्की करने का। देखा भाव, अब मोटिवेट भी करने लगा लोगों को। कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा पैकेज? लगता है संदीप महेश्वरी के चैनल अब खतरे में है। भाव का शो में तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वो एक फुल एपिसोड। भाव का शो और मेरी जिंदगी, ये दोनों ही अधूरा रह गया। तो चलो अब हम बुलाते पुणे से अश्विनी जी को। भाव, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स के लिए दीदी को भाव के पास आना पड़ा, वकील के पास जाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है दोस्तों लॉ पढ़ के, क्लाइंट सब भाव ले जाएगा और तुम बैठ के बो मरते रहना मक्खिया। कि पति पत्नी को एक साथ काम नहीं करना चाहिए, वो भी एक ऑफिस में। और आपने क्या किया, एक साथ काम भी किया और काम का तमाम भी किया। ये सिलसिला आदिम युगों से चलते आ रहे हैं। पति पत्नी एक साथ खा सकती है लेकिन एक साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकती। पति पत्नी एक साथ घूम सकती है लेकिन एक साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकती। पति पत्नी एक साथ सो सकती है लेकिन एक साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकती। और इसमें गलती दोनों पार्टियों का है। बीवी चाहता है मेरा पति मेरा कुत्ता बन कर रहे और पति चाहता है मेरा बेबी मेरे कंट्रोल में रहे। भाव एक बात बताओ, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ टिट फॉर टैट तो करूंगा ना। अरे गलत उसके साथ करते जो बाहर का है, वो तेरी बीवी है। तो भाव इस लॉजिक से देखें तो वो जिसकी लाइफ बर्बाद कर रही है वो भी तो उसका हस्बैंड हुआ ना। इसीलिए कहते हैं पति पत्नी के बीच कभी नहीं आना चाहिए। ये कैसा उलझा हुआ कंफ्यूजन पैदा हो गया, जैसे भाव क्या मैं भी नहीं सुलझा सकता। अब पता चला सलमान भाई ने शादी क्यों नहीं की है। मैं और मेरे बच्चे दोनों बाहर में जाए, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से मतलब है। जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है मैं उसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, भाई कौन सा नशा करके तूने ये दर्दनाक कहानी लिखा है? ऐसी कौन सी हादसा हुआ तेरी जिंदगी में जो तू हमारी जिंदगी के साथ ऐसे खेल रहा है? इस राइटर को बॉलीवुड पे क्यों नहीं बुलाते? पता है भाव, मैंने जब उस इंसान को फिजिकली इंटीमेट होने से मना किया तो उसने बाहर लड़कियों के साथ अफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसका अफेयर अभी भी एक लड़की से चल रहा है और दिन वो मेरे साथ बिताता है और रात उसके साथ गुजारता है। हाँ तो गलती तुम्हारा ही है ना, क्यों रखे हो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, लात मार के भगा दो। हट, पंच मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये तो भाव के पास आए, भाव ही झेले इसको। मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे उसने मेरे को फोर्सली फिजिकली होने के लिए मजबूर किया था। अभी तू टेंशन मत ले। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जरूरत पड़ने पे भाव इसका लेंथ कट के फेंक देगा, फिर किसके साथ तो क्या, वो खुद के साथ भी फिजिकली हो नहीं पाएगा। प्रिया की पूरी प्रेगनेंसी तक मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया और ऐसे ही ना मैं डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना चला गया। उसके बाद भी 6 महीने तक मैंने पूरी कोशिश की, पर क्या करता मैं, सारे कोशिश सारे कंट्रोल नाकामयाब होने के बाद आखिरकार इसने बाहर मुंह मार ही लिया। क्योंकि भाई के शरीर में एक ऐसी बिजली का उत्पादन होते है जिस बिजली को काबू में लाने के लिए एक ट्रांसफार्मर की नहीं 10 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ते है। तो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया, अब मैं हैंडसम हूँ, अच्छा दिखता हूँ, चला लिया फिर। अब जब प्रिया रेडी हो जाएगी तो मैं बाहर जाना छोड़ दूंगा, दैट सिंपल। अबे गधे, वो तेरा बीबी है कोई बात नहीं, जो एक में भीड़ हुआ तो दूसरे में सवार कर लेगी। और क्या बोला तू, हैंडसम है अच्छा दिखता है? अब मैं हैंडसम हूँ अच्छा दिखता हूँ। बेंचो टीवी के मर्ज भी तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ आए, तुम लोग दोनों साथ में आए तो बहुत बड़ा लोचा है कुछ तो। तो आज तक के हम लोग भजन देखते आ रहे हैं, जितने भी एपिसोड दिखाए हो सारे के सारे ही लोचा है और इस वीडियो में भी। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। अब बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई तो इसमें कोई और क्या कर सकता है, जवानी है चढ़ गई, ये कोई ट्रेन थोड़ी है जो प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करके आएगी। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। वाह, बेटी के शादी के दिन बाप ही दूल्हा बन के भाग गया, वो भी अपने बेटी के होने वाली सास के साथ। अब जिसे सैया बनना था वो भैया बन गया और जिसे बीवी बनना था वो बहन बन गया। और अब इस रिश्ते का क्या नाम दूं, तुम लोग ही कमेंट करके बता देना। हाड़ में जाए ऐसे माँ बाप, धर्म कर्म करने की उम्र है और कर्म कांड कर रहे हैं वहाँ पर ये। इतना गुस्सा, अरे खुशियाँ मनाओ, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जल्द खुशखबरी आने वाले है।
वो तो भाग गए, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? अब ऐसे माहौल में हमारी शादी कहाँ होनी थी? वो तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये तो लव स्टोरी चल रही थी। कौन सी 1942 वाली लव स्टोरी? नहीं, 2024 वाला वक्त चोदी, जो तुम्हारे शो के अलावा दुनिया में कोई और किसी के शो में देखने को नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों में नाम इतना खराब हो चुका है ना कि एक उम्र के बाद अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, और उसी का खुशी खुशी कचरा कर दिया इन्होंने। बच्चों की शादी तो भी फिर हो जाएगी, पर हमने हमारे पार्टनर्स खो दिए। देखा, इसलिए कहते काम करो तरीके से, काम ऐसा करो कामयाबी शोर मचा दे। घर में चुप चुप के इतना बड़ा कांड हो रहा था और इन लोगों को जरा सा शक भी नहीं हुआ। ऐसे बेवकूफ लोग भी दुनिया में होते, ऐसे घर से इंसान तो क्या कुत्ता भी भाग जाएगा। वो क्या छुपा रहे थे? कि इनका अफेयर। किनका? इनकी पत्नी का और मेरे हस्बैंड भाव के। यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सब कुछ जानते हुए भी ना जानने की नाकामयाब कोशिश मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक बात बताओ देवेंद्र जी, कि आप आपके पत्नी को आखिरी मौका दोगे? नहीं बाबू, नीलम की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं और जरूरत भी नहीं। अच्छा। नीलम ने अपनी जगह बना लिया है और अब तक तो उस जगह पे खेती भी शुरू हो गया है। मजा आया। नीलम छूने के बाद भी जब तुम्हारा अरमान ना जाग पाए। नीलम की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। नीलम रहने के बाद भी जब तुम्हें अपने हाथों से काम चलाना पड़े। नीलम की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। क्या ना पब्लिक, वीडियो को इज्जत देने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। बाय।